इंडिया की याद आ गई, कॉटन वो गुड़िया के बाल वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रायन की फेवरेट प्लेस जहाँ वो बहुत एंजॉय करता है, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है वो प्लेस, किड फ्रेंडली है। तो चलो चलते हैं और वहीं मिलते हैं। तो अब हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं चक ई चीज। ये है चक ई चीज। तो अभी हिमांशु जो चक ई चीज़ का कार्ड है उसमें ही फिलअप करवा लेंगे, हाफ एन आवर का ही हम लोग लेंगे जो प्ले टाइम है। तो उसका आई थिंक $13 समथिंग होता है यहाँ पे, तो हमारे पास कार्ड तो है ही, उसी को रिफिल करवा लेंगे हम। और ये रायन ने आते ही यहाँ पे इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। रायन वेट, वाह, रायन ने सबसे पहले अपनी कार पकड़ ली। ओके यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी है आज। अब हम आ गए हैं चक ई चीज से और हमने 400 टिकट विन किए, जिसमें रायन को ये मिला कॉटन कैंडी। और क्या मिली रायन को? रायन फ्रॉम कार, वाह। तो यहाँ पे ये चीज अच्छा है। और हमने
30 मिनट का दिया था जो पार्क में ना, मतलब प्ले का टाइम होता है, अगर आप 30 मिनट का लेना चाहो 1 आवर का, तो हमने 30 मिनट में 400 टिकट विन किया और जिसमें हमें मिली कॉटन कैंडी और घर। तो अब चलते हैं घर। तो अब मैंने कॉटन कैंडी खोल दिया है, तो अब मन हो रहा है खाने का, तो ज़रा टेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो इंडिया वाले गुड़िया के बाल होते हैं, आई थिंक वही है ये, इंडिया में हम इसको गुड़िया के बाल बोलते हैं, यहाँ हम इसको कॉटन कैंडी बोलते हैं। तो अब टेस्ट करते हैं। यम्मी। अब इंडिया की याद आ गई, कॉटन वो गुड़िया के बाल वाली, वहाँ तो ऐसे बेचने आते थे घर घर में भी, गुड़िया के बाल ले लो, गुड़िया के बाल है ना। रायन फर्स्ट टाइम खा रहा है आज ही। मीठा तो है बहुत ज्यादा ना, पूरा शुगर होता है ये। हाँ ये शुगर हूँ। रायन अच्छा लग रहा है? यम्मी यम्मी। तो अब हम घर पहुंच गए हैं और बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो हमने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और देखो रायन को आ गया है गुस्सा। रायन ने हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया। चलो तो वॉक तो हुई नहीं, तो आप घर चलते हैं और डिनर का टाइम भी हो गया है। तो मैं भी कल भी ये ब्लॉग में कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि आज हम ज़्यादा नहीं घूमे और ये हमारा हम मॉर्निंग में सामान लेने भी गए थे ग्रॉसरी। तो ये है जैसे कि आपको दिखा होगा आटा, चक्की आटा आशीर्वाद वाला है, और ये है ब्रश, और ये है समोसे, समोसा इंडियन समोसा, और ये है मैगी, और यहाँ पे गुड्डे वाले बिस्किट भी मिलते हैं जो हम इंडिया में खाते हैं वो वाला, और ये वाला भी मिलता है। रायन बताना, ये रायन का फेवरेट है हाइड एंड सीक। तो ये चॉकलेट वाला है, और क्या है जो हमारी इंडिया, और ये है प्याज। तो अभी हम कोरोना वाले जो गाइडलाइन है पूरी फॉलो करते हैं, तो अभी हम तो हम सामान ला के तुरंत रखते नहीं है, तो अभी हमने इनको अच्छे से वाइप करके एंटी बैक्टीरियल वाइप से सब साइड में किया है, और कुछ टाइम बाद हम इसको लेकर के चले जाएंगे अंदर, अच्छे से संभाल देंगे। तो जो कोरोना वाली गाइडलाइन है वो हम स्टिल वी आर फॉलोइंग है ना। और ये है चक्की आटा रस्ता का, वैसे हम पहले आशीर्वाद कर लेते थे, इस बार था नहीं वहाँ पे, तो हमने ये ले लिया, ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये है अपना चक्की आटा, 100% होल व्हीट फ्लोर, 0% मैदा। और मैं अपने लिए बिंदी भी लेकर के आई ब्लैक वाली। ये थी हमारी वीकडे वाली जो ग्रॉसरी शॉपिंग, और चलो मे बी इस वाले ब्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। तो आज हम आए हैं अपने थोड़ा बहुत गार्डन के लिए शॉपिंग करने हैं, जैसे सॉइल लेनी है हमें, और एक दो हमें पॉट लेने हैं जिसमें हमें प्लांट्स लगाने हैं। वाव ये गमले कितने अच्छे हैं, ये है $19 का है। अच्छा एक अगर इंडिया के लगाएं तो 1200 अराउंड, और ये
ये तो बहुत ही कॉस्टली है, $69 लाइक 5000 रुपये का, लेकिन है भी बहुत अच्छे, दिखने के भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वाह, और ये आई थिंक ये सब आर्टिफिशियल ही हैं, जस्ट फॉर डेकोर। $44, दीज आर टू कॉस्टली, बट जो इनका लुक है ना, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। वाह, बट हमें तो ये नहीं लेना है क्योंकि हमें छोटा सा ही एक लेना है। जैसा इनका प्राइस है ये दिखने के भी उतने ही सुंदर है। वाह, आई लव दिस वन, $64 का है यार ये भी, लाइक 60 वही आपका 3-4 हज़ार का है, तो बहुत सुंदर, बट हमें छोटा सा ही लेना है, तो हम देखते हैं कौन सा वाला लेंगे। और ये हैं सब आउटडोर प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि इन यहाँ पे दोनों तरीके से डिवाइड किए हैं, इंडोर एंड आउटडोर, तो ये सब आउटडोर हैं। और हमने क्या लिया, हमने ये वाला पॉट किया है, अभी कितने का है, 4.99।